विदर्भ के गढ़चिरौली जिले में मार्कंडेश्वर मंदिर स्थित है, जो स्थापत्य और शिल्प की दृष्टि से अनुपम तो है ही, लेकिन वैन गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण प्राकृतिक सौंदर्य में भी अन्यतम है। मार्कंडेश्वर मंदिर समूह मध्य युग का एक प्रतिनिधि स्थान है। यह नागपुर की आगन्य दिशा में लगभग 181 किलोमीटर के सीधे फासले पर है। यहाँ जिला मुख्यालय गढ़चिरौली और चंद्रपुर से भी पहुंचा जा सकता है, जहाँ से इसकी दूरी क्रमशः लगभग 45 और 50 किलोमीटर है। यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती वैन गंगा ने अपना प्रवाह उत्तर की ओर कर लिया है, जिससे इस स्थान का महत्व बढ़ गया है। यही पूर्व की ओर मुख किए मार्कंडेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। प्रातः सूर्योदय और उसकी सीधी किरणों द्वारा मंदिरों का अभिषेक अत्यंत दर्शनीय होता है। आज से लगभग 125 वर्षों पूर्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान की खोजबीन कर इसका परिचय रखिक जगत को कराया था। एक आयताकार क्षेत्र में प्रकार द्वारा घेर कर छोटे बड़े लगभग 20 मंदिरों का निर्माण यहाँ किया गया था। प्रकार में पूर्व की ओर घाट पर उतरने और दक्षिण की ओर से मंदिर समूह में प्रवेश करने की व्यवस्था है। दक्षिणी प्रवेश द्वार सुंदर, प्रशस्त और दो मंजिला है। यह मुख्य मंदिर मार्कंडेश्वर शिव मंदिर है और सभी मंदिरों में विशालतम है। इसके सन्मुख भाग में स्वतंत्र नंदी मंडप था, जो अब खंडर बन गया है। मंदिर में तीन मुख्य मंडपों से, जो उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशाओं में है, सभा मंडप में प्रवेश किया जाता है। गर्भगृह पश्चिम में एक वर्गाकार प्रकोष्ठ के रूप में है। गर्भगृह और सभा मंडप के मध्य एक प्रशस्त अंतराल है। वह भाग से देखने पर पता चलता है कि मुख मंडपों की छत बहुत कुछ नष्ट हो गई है। सभा मंडप का शिखर और अंतराल की शुकनासिका और गर्भगृह के शिखर का कुछ भाग ही शेष है। दो बार बिजली गिरने से यह व्यवस्था हुई है। मंदिर की भारी दीवार पर तीन स्तरों में देवी देवताओं, सुर सुंदरियों, व्यालों और दिक्पालों के सुंदर शिल्प अंकित है। यह मंदिर भी इस परिसर के अन्य मंदिरों की भांति उत्तर भारत के नागरी स्थापत्य शैली में निर्मित है। मंदिर के शिखर, गंधा की संरचना और शिल्प साम्य के आधार पर यह मुख्य मंदिर खजुराहो के चंदेल राजाओं के मंदिर के साथ अद्भुत समानता दर्शाता है। इसी कारण इसे विदर्भ का खजुराहो कहते हैं। मंदिर के सभा मंडप में देवदासियों के नृत्य और भजन कीर्तन के लिए एक मंच बना है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। स्तंभों और द्वार की पट्टिकाओं पर देवी देवताओं और रामायण के दृश्य अंकित है। जंगा शिल्पों में नृत्य गणेश, अंधका सुरवद, अभिषेक लक्ष्मी, हरिहर अर्क पितामह आदि शिल्प के अच्छे उदाहरण है। मुरकंद ऋषि मंदिर यह दूसरा बड़ा मंदिर मुख्य मंदिर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसमें सभा मंडप और गर्भगृह के अतिरिक्त एक छोटा अंतराल भी है। मंडप के मध्य चार सुंदर स्तंभ की चतुष्टिका है। यमधर मंदिर यह एक छोटा पर महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसमें गर्भगृह ही है। मंडप संभवतः लकड़ी का था अथवा उत्सव आदि की आवश्यकता अनुसार कनाट डालकर बनाया जाता था। गर्भगृह पर पंचरथ शैली का शिखर है, जिसकी रथिकाओं में अंधका सुरवद मूर्ति, सूर्य और चामुंडा की प्रतिमाएं हैं। इन सभी मंदिरों के काल के विषय में मतभेद है। इन्हें ईसवी 11वीं शती में स्थापत्य शिल्प और तत्कालीन इतिहास के आधार पर रखा जा सकता है। वैसे यहाँ ईसवी 8वीं शती के शिल्प और अभिलेख भी मिलते हैं, जो यही सिद्ध करते हैं कि यहाँ बहुत पहले मंदिर बने थे और कालवश नष्ट हो जाने पर ईसवी 12वीं शती में ये नए मंदिर बनाए गए। मार्कंडेश्वर मंदिर की रचना धार के परभार कुल के एक राजपुत्र जगदेव ने की थी, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। मार्कंडा मंदिर समूह का निर्माण 12th सेंचुरी में राजा जगदेव परमार के काल का प्रतीत होता है। ये हालांकि इसके पहले 8th सेंचुरी में यहाँ पे कुछ काम हुआ है, कुछ मंदिरों का निर्माण भी हुआ है, लेकिन मार्कंडा ये मंदिर नहीं है, मार्कंडा ये मंदिरों का समूह है। तो कई राजवंश लोगों ने वहां पर छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण करा है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है मार्कंडे महादेव के नाम से हम जिसे जानते हैं, वो निर्मिति ज्यादा राजा जगदेव परमार की 12th सेंचुरी के आसपास हमें नजर आती है। इस मंदिर की खासियत यह है कि ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और ये इस मंदिर में त्रिजंगा यानी इसकी आउटर जो वॉल है वो त्रिजंगा पे खूबसूरत कलाकृति की गई है। बहुत खूबसूरत मूर्तियों को उकेरा गया है और इसमें जो खास मूर्तियां हैं वो सुर सुंदरियां हैं, देवी देवताओं की एक समृद्ध मूर्ति है, इसमें व्याल की काफी मूर्तियां हैं, इसमें डाल मालिका है, यानी इस मंदिर को बाहरी दीवार पे त्रिजंगा में काफी सुशोभित किया गया है।
इस मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर वैनगंगा नदी के उत्तर वाहिनी तट पर बना हुआ है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में उत्तर वाहिनी तट पर किसी भी नदी पर मंदिर का बनना अपने आप में एक विशेष स्थान महत्व रखता है। अलेक्जेंडर कैनिंगम ने 1874 और 75 की अपनी रिपोर्ट सेंट्रल इंडिया टूर में इस मंदिर का खासकर उन्होंने इसका उल्लेख किया है। लेकिन कई इतिहासकारों ने शुरू में बताया कि इस मंदिर का निर्माण 9 सेंचुरी से 12 सेंचुरी तक का है, लेकिन उस समय यहां पर कोई विदर्भ में प्रतापी राजा नहीं था कि जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन आज से ठीक 8 साल के बाद चंद्रपुर जिले में राजा जगदेव परमार का एक बहुत बड़ा गोल्ड का होर्ड मिला। राजा जगदेव धार के थे, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र पे अपना आधिपत्य किया था और उन्होंने सोने की मुद्राएं चलाई थी और वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनके सोने की मुद्राओं पे भी शिवलिंग का अंकन मिलता है। राजा जगदेव परमार ने विदर्भ में 12 सेंचुरी में राज भी किया था। तो ये जो मार्कंडा मंदिर महादेव का है, जिस समय जहां इसमें काफी यात्रा यहां पर होती है और खासकर हम लोग इसे विदर्भ का खजुराहो के नाम से भी इसे जानते हैं। इस मंदिर की और एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये मंदिर कई चरणों में बना हुआ है और चरणों में बनने के कारण इसकी जो कलाकृतियां हैं वो बहुत दुर्लभ है। जैसा कुछ मूर्तियां ऐसी हैं कि जो हमें अक्सर ज्यादातर मंदिर में पाई नहीं जाती हैं। इस मंदिर में चतुष्पाद सदाशिव, विलक्षण सदाशिव, नृत्य गणेश, कार्तिकेय, कुबेर, चंडिका, सूर्य, ऐसे कई और सबसे खास यम की मूर्ति है इस मंदिर में। तो मंदिर की खासियत यह है कि यह पूरा मंदिर आउटर वॉल से बहुत सुशोभित है। इसकी कलाकृति बहुत ही सुंदर और हमेशा आकर्षित करते रहती है और मार्कंडा का वैभव हमारे महाराष्ट्र के लिए एक अद्वितीय है टेंपल आर्किटेक्चर में। आप लोग जरूर आइए, यहाँ पर महाशिवरात्रि का काफ़ी उत्सव होता है। करीबन ये उत्सव 4 दिन तक चलता है। मैं सभी यहाँ पर आने वाले लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामना और महाशिवरात्रि की शुभकामना देता हूँ। महाशिवरात्रि पर्व पर मार्कंडा से सुनील ताइडे की स्पेशल रिपोर्ट।